सभी का स्वागत है फिर से। और आज के इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये हर एग्जाम में आप लोगों को आते ही आते हैं। और इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे और याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल या कृषि अनुसंधान परिषद, ये इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब किसानों की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली, दिल्ली में ही हुआ था। तो इसको आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, यहां पर इंस्टीट्यूशन बड जुड़ा है, इंस्टीट्यूशन, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सीधा राज्य का नाम वो लिख लेंगे आप लोग, बिहार राज्य में, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद यहां पर देखेंगे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय डेयरी इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो डेयरी, अब दूध में अगर आप लोग जर्नली देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा दूध की उपलब्धता, उपलब्धता मतलब वहां पर वो जो है अवेलेबल है, तो ऐसे मामले में हरियाणा का करनाल डिस्ट्रिक्ट, यहां पर जो है डेयरी को लेकर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है और दूध के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड, और जिसके फाउंडर माने जाते हैं, प्रबंधक माने जाते हैं, उनका नाम है नॉर्मलॉग करके जो है उनका नाम है। इसके साथ साथ जिसे हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है भारतीय गन्ना अनुसंधान यानी इंडियन सुगर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो है आप लोग उत्तर प्रदेश में काफी गन्ना होता है, हालांकि चीनी की प्रोडक्शन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, तो ये लखनऊ के, यूपी के लखनऊ में आप लोग इस पर टिक करेंगे। इसके बाद है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, विवेकानंद जी के नाम पर है, और कृषि पर्वतीय यानी आप लोगों की माउंटेनियरिंग एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो वो कहां पर है? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अब स्वामी विवेकानंद जी का नाम जुड़े तो इनके बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म क्यों को हम लोग मनाते हैं? यूथ डे के रूप में। कौन से दिवस के रूप में? यूथ डे के रूप में। और यूथ डे यानी 12 जनवरी को इनके दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग याद रखेंगे बिकॉज 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो है पहली बार भारतीय के तौर पर जो है उसको संबोधन करा था हिंदी भाषा में। इसके बाद है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन हम लोग देखेंगे, तो ये कहां पर है भैया? कटक में। कहां पर? कटक। कटक कहां पर पड़ता है? आप लोगों का उड़ीसा में। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। कौन है भैया? नवीन पटनायक। और उड़ीसा में दो नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे, एक है सिमलीपाल और दूसरा है आप लोगों का बनेरघट्टा। वहां पर एक चिल्का लेक भी है, और वहां पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो है क्या? हीराकुंड डैम परियोजना, जो कौन सी नदी पर है? महानदी पर स्थित है। और सोरोफ उड़ीसा कौन सी नदी को कहते हैं? वो भी महानदी को ही कहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग उड़ीसा में कोणार्क टेंपल को याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक, भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक, चिल्का लेक भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद अब नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, बूफेलो, तो ये आप लोग देखेंगे ये कहां पर है? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और हरियाणा के तो खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं ही हैं। हरियाणा में आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारा मतलब जो पशुओं को जो है चारा मिलता है उससे रिलेटेड, तो वो है कहां? उत्तर प्रदेश के झांसी से। इसके बाद है नेक्स्ट भारतीय दलन अनुसंधान, दलन मतलब
ऐसी फसलें जो दालों से रिलेटेड है तो वो कानपुर में है, आप लोग याद रखेंगे कानपुर में। इसके बाद है तंबाकू। तंबाकू की बात करें तो देखो तंबाकू प्रोडक्शन में पहले नंबर पर, अगर वर्ल्ड की बात करें तो भैया चाइना पहले नंबर पर है, चाइना पहले पर है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, इसलिए आंध्र प्रदेश में ही इसका रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया गया है राजमुंद्री में, ये आप लोग याद रखेंगे। हैदराबाद की आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ये प्लीज आप लोग प्यारे साथियों याद रखेंगे। इसके बाद है केंद्रीय आलू पोटैटो रिसर्च अनुसंधान, पोटैटो तो वो है उत्तर शिमला, कहां पर, हिमाचल प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा। फिर है आप लोगों का वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहां पर है, आप लोगों का FRI कहां पर है, देहरादून में, ये आप लोग याद रखेंगे कहां पर, देहरादून। इसके बाद है नेक्स्ट केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो वो है आप लोगों का लखनऊ में। अच्छा लखनऊ में एक और लिख लेना, शायद इसमें है या नहीं, यहीं पर लिख लेना विस। विस मतलब आप लोगों का जो पॉइजन होता है, पॉइजन जो आप लोगों का होगा वो भी कहां पर है, वो भी आप लोगों का लखनऊ में ही है। इसके साथ साथ फिर आप लोगों का ये तो नीचे एम्स की फुल फॉर्म है, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, तो ये आप लोग लिख लेंगे कहां पर, नई दिल्ली में है। इसके बाद है गन्ना, गन्ना अनुसंधान की बात करें तो अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें दक्षिण भारत में तो एक और है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नारियल जो है वो कहां पर है आप लोगों का, केरल में, कासरकोड केरल में नारियल यानी कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये प्लीज आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। नमक, नमक अनुसंधान लिख लेंगे बस, केवल साल्ट तो वो है गुजरात में भावनगर में, गुजरात के भावनगर में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है भूपेंद्र पटेल, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये आप लोग। और गुजरात की लाइफलाइन किसे माना जाता है, नर्मदा रिवर को, ठीक है। इसके बाद है आपका फूड टेक्नोलॉजी खाद्य प्रौद्योगिकी, तो आप लोग देखेंगे वो कहां पर है, मैसूर कर्नाटक में, कहां पर, मैसूर कर्नाटक में। इसके बाद जो ये बचे हैं इनको भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। और कपड़ा, कपड़े से कहां पर है आप लोगों को पता ही है भारत का मैनचेस्टर कौन है, कपड़ा में आप लोगों का अहमदाबाद गुजरात में। चमड़ा लेदर चेन्नई तमिलनाडु में। औषधि आप लोगों का लखनऊ में, और लखनऊ में मैंने कौन सा बताया था, विष का भी बताया था, पॉइजन का भी बताया था। पेट्रोल का देहरादून में पेट्रोल। कैंसर बंबई आप लोग याद रख लेंगे, भैया डॉक्टर कैंसर का इलाज कराना है तो बंबई जाइए, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। मत्स्य यानी फिशरीज मछली से रिलेटेड कहां पर है, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई कोस्टल समुद्र के किनारे पर स्थित है। इसके बाद भूकंप अर्थक्वेक ये तमिलनाडु में है गोरी विदानानूर में। इसके बाद है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, तो ये कहां पर है आप लोगों का, नागपुर में। इसके बाद है आप लोगों का विश्व विज्ञान, देखो आ गया इसमें आ गया है वो, तो वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और ये इंडियन ऑर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, ये है आपका कोलकाता में, इसको इंपोर्टेंट कर लेना भाई साहब, ये आता ही आता है, इसको वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट प्लीज, ये वाला ये आपको जरूर दिखाई देगा। डीजल, ये डील नहीं है ये डीजल है, इसको करेक्ट कर लेंगे, डीजल। लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। तो हमने इस टॉपिक में देखा कि भारत के जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको दो तीन बार आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो यहां से आपके हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। और एक नंबर यदि आप लोगों को आता है, और अब तो थोड़ा पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया, तो चार आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशन देगा और फिर उनके हेडक्वार्टर पूछ लेगा, फिर वो आपसे मैचिंग कराएगा, पेपर को थोड़ा और टफ बनवाएगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों के समझ में आगे होंगे।
अब किसी को